Hello everyone, this is Ashishan. In this video lecture, we are going to start another chapter of cost accounting, that is contract costing. देखिए अगर हम broadly speaking बात करें costing की तो हमारे दो type की जो है हमारे costing होती है जैसे job costing and batch costing. देखिए हमने last video lecture में हमने chapter पढ़ा था that is job costing. देखिए job और batch costing में क्या difference होता है जैसे देखिए बैच कॉस्टिंग में कहते हैं जैसे मान लीजिए सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स हैं या जैसे मान लीजिए सपोज इफ यू आर लाइक जैसे फैक्ट्री है तो वो क्या करते हैं बेसिकली सिमिलर टाइप ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बैच बना देते हैं. लाइक से एग्जांपल मोबाइल फ़ोन है जैसे आईफोन है ठीक है. जैसे देखिए अभी आईफोन जैसे 12 आया तो उसका बैच अलग है 12 मैक्स का अलग बैच है ठीक है. तो वहाँ पर क्या है मीन्स जिसको 12 आईफोन 12 परचेज करना है तो वो उसके लिए अलग बैच है और 12 मैक्स का अलग बैच है तो उसकी कॉस्टिंग अलग अलग होगी. सिमिलरली इफ यू कैन से लाइक सपोज जैसे देखिए रेमंड की शर्ट होती है ठीक है. अब देखिए डिफरेंट साइज़ के जैसे किसी की 28 किसी की 32 36 40 ऐसे अलग अलग होती है तो अलग अलग साइज़ के अलग अलग बैच बनेंगे क्योंकि देखिए उसमें जो लाइक जो क्लोदिंग जो मटेरियल होगा वो तो सेम होगा बट जो क्वान्टिटी होगी वो अलग अलग होगी ठीक है. ऐसे सिमिलर टाइप ऑफ बैच के फैक्ट्री या कंपनी करती है उसको बैच वाइज बनाती है और उनकी कॉस्ट को जो असेटिंग करती है. बट जॉब कॉस्टिंग क्या होती है जैसे मान लीजिए सपोज इफ यू वांट टू स्टिच स्टिच अ पर्टिकुलर सूट ठीक है. मान लीजिए आप गए किसी शॉप में गए और आपने टेलर को बोला दैट कि जो है इस साइज का ये कपड़ा मैं आपको दे रहा हूँ तो आप जो है ये इसको स्टिच कर दो ठीक है. तो दैट मीन्स आपने उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप जो है एक सूट जो सिल के दे दीजिए ठीक है. तो उसको बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग. लेकिन उसको हम जो कॉन्ट्रैक्ट जो वो छोटा होता है इसलिए हम इसको जो है क्या बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग. अगर ऐसे ही कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर बड़ा होता है तो उसको बोल के अलग अकाउंटिंग करते हैं बाय द वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने L&T कंपनी को बहुत बड़े प्रोजेक्ट दिए टू कंस्ट्रक्ट अ डैम और हाईवे और एनी काइंड ऑफ लाइक मेट्रो लाइन तो वो काफ़ी काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं बिकॉज वो एक साल में ख़त्म नहीं होते वो काफ़ी लंबे चलते हैं को दो साल तीन साल तीन साल दस साल ऐसे चलते हैं. तो उनकी अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट उनकी भी तो कॉस्टिंग अलग अलग होगी क्योंकि देखिए हर डैम का देखिए के साइज़ के हिसाब से जगह के हिसाब से मटेरियल अलग लगेगा ठीक है. तो उसको बोलते हैं हम बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. दैट मीन्स दोज जॉब दैट आर बेसिकली गो फॉर अ लॉन्ग टाइम ठीक है. दैट कांट बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम मीन्स छोटे टाइम के लिए उसको खत्म नहीं कर सकते. तो पहले मैंने आपको बताया जॉब कॉस्टिंग एंड दी बैच कॉस्टिंग में डिफरेंट. जॉब कॉस्टिंग होता है कि सिमिलर गुड्स को मीन्स अलग अलग उनके कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लेकिन वो अलग अलग होते हैं. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए अगर आप कोई सूट जो है सिलवाने जा रहे हो ठीक है. तो देखिए आपका अलग होगा आपके फ्रेंड का अलग होगा आपके भाई का अलग होगा ठीक है. तो वो सबका अलग अलग होगा क्योंकि देखिए सबकी जो है चॉइस अलग होती है कलर अलग होगा ठीक है. सबकी बॉडी साइज अलग अलग होती है. तो ये छोटे मोटे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको बोलते हैं हम जॉब कॉस्टिंग ठीक है. और बैच का उसके अंदर फैक्ट्री करते हैं सिमिलर बैच में अलग उनके पहले से रेडीमेड जो है बना कर देते हैं तो उनको बोलते हैं बैच कॉस्टिंग. बट अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आया जो कि काफ़ी बहुत बड़ा होता है तो उनको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. जैसे मैं एग्जाम्पल दिया कि गवर्नमेंट ने जैसे L&T को जो है एक डैम बना रही है एक हाईवे बना कर दिया एक मेट्रो प्रोजेक्ट है उनको बनाने के जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको हम बेसिकली बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ठीक है. तो अब देखिए हम इसको जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए आप कोई कंपनी हो गवर्नमेंट आपके आपको एक प्रोजेक्ट दे रही है ठीक है. तो अगर आपको कोई सिमिलर कोई प्रोजेक्ट अगर बनाना है तो उसकी कॉस्टिंग वो बनानी पड़ेगी. अब वो कॉस्टिंग देखिए मान लीजिए 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है ठीक है. तो आप एक बार में तो उसकी आप कॉस्ट तो आप असर्टेन नहीं कर सकते ठीक है. आप गवर्नमेंट से 10 करोड़ रुपये लोगे ठीक है. मीन 10 करोड़ का प्रोजेक्ट आपने बोला हम इसको हम तीन साल में बना के आपके हाथ में दे देंगे ठीक है. तो अब क्या होता है देखिए कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी बड़ा है 10 करोड़ का है ठीक है. तो गवर्नमेंट आपको सारा पैसा एक साथ देगी नहीं ठीक है. गवर्नमेंट कहेगी धीरे धीरे जितना जैसा जितना कंप्लीशन होगा हम आपको पैसे देते रहेंगे. लेकिन क्या आप बताओ जब आप एज ए कंपनी हो जैसे गवर्नमेंट ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो क्या आप अपना प्रॉफिट आप एस्टिमेट कर सकते हो आज के टाइम पे? इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज देखिए आप क्या मटेरियल लगाओगे क्या लेबर लगाओगे कौन कौन सा एक्सपेंडिचर करोगे वो करंट मार्केट प्राइस पर डिपेंड करते हैं. मान लीजिए आपने अभी जो है सारा मटेरियल लाके परचेस कर दिया कुछ खराब हो जाता है डैमेज हो जाता है कुछ पैसे लॉस्ट हो जाता है ठीक
ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ लिक्विड लेके आ रहे हो तो वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी में लेके आ रहे हो। और ये तो है नहीं कि सारा मटेरियल आपने आज ही परचेस कर दिया, आप ओवर इवेपोरेट हो, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है आप मटेरियल परचेस करते हो, तो उसकी मटेरियल की जो प्राइस है वो तो करंट मार्केट प्राइस में देखो वेरी करती रहती है, कभी प्राइस अप हो जाता है कभी डाउन होता है, ठीक है। तो उसका जो एग्जैक्ट प्रॉफिट एस्टिमेट करना बहुत डिफिकल्ट रहता है कि जब कब होता है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है काफ़ी बड़ा होता है। अभी मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल 3 साल के रहा, जो कुछ प्रोजेक्ट है जो 10 साल के होते हैं। अब 10 साल का जो प्रोजेक्ट है, मान लीजिए 1000 करोड़ रुपीज़ का से आपको मिला है, तो अब 1000 करोड़ तो आपको 10 साल बाद के पैसे आप बता रहे हो, बट आज के हिसाब से आपको उसका प्रॉफिट आप कैसे स्ट्रीम कर दो, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हम इसको करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को, बेसिकली हम नॉमिनल अकाउंट एक बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कुछ नहीं नॉमिनल अकाउंट, जैसे आप जो है 11th स्टैंडर्ड में ट्रेडिंग है पीएनएल अकाउंट में बनाते हैं, ये वैसे ही है, कुछ नहीं। देखिए ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाते हैं। जैसे वही डेबिट में सारे हम एक्सपेंसेस लिखेंगे एंड क्रेडिट साइड में सारे हम इनकम लिखेंगे। तो देखिए पहले क्या लिखा है, देखो मटेरियल का तो मटेरियल डेबिट ले देंगे, लेबर कोई भी तरह के अगर डेट एक्सपेंस इनकम हुए हैं तो वो ले देंगे, इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस जैसे मान लीजिए कोई प्लांट इंस्टॉल हुई है तो वो यहाँ लिख देंगे, वेजेस अक्रूड, वेजेस को पेमेंट देनी बाकी है लेकिन देनी तो है ही ना, तो वो भी तो खर्चे आप ऐड करोगे ही तो ऐड करेंगे, रेंट एंड टैक्सेस वो भी ऐड करोगे, अच्छा प्रीपेड हुआ तो लेस करोगे, डेप्रिसिएशन किसी प्लांट एंड मशीनरी हमने परचेस की है उस पर डेप्रिसिएशन भी है तो वो भी खर्चा होगा, तो वो भी यहाँ पर आप डेबिट साइड में ऐड करोगे, ठीक है। तो ये आपके काफ़ी मैंने अच्छे समझ आया कि एक नॉर्मल नेचर का होता है, दैट मीन्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, वैसे सिमिलर है, बहुत ईजी है, बट थोड़ा सा आपको फोकस देना पड़ेगा कि लैंग्वेज क्या लिखी है। तो देखिए क्रेडिट साइड में, देखिए क्रेडिट साइड मैंने लिखा है वर्क इन प्रोग्रेस, देखिए क्रेडिट साइड में मैंने क्या लिखा है वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए आपको याद होगा ट्रेडिंग अकाउंट हम क्रेडिट साइड में कहते हैं सेल्स, लेकिन आप अभी सेल्स कैसे लिखते हो, जबकि कॉन्ट्रैक्ट तो अभी आपका काफ़ी बड़ा है 3 साल का है, तो अभी तो आपको सारे पैसे मिलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको जैसे मान लीजिए आपने कोई डैम का प्रोजेक्ट में लगाया, तो आपको ऑब्वियसली जितने आप कंप्लीट काम करोगे उसके हिसाब से आपको जो है कैश मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बट वो काम अभी तक तो खत्म हुआ नहीं है, तो बेसिकली आप जो है वर्क इन प्रोग्रेस को सेल्स की तरह उसको आप रिप्रेजेंट करते हो टू द क्रेडिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। तो वर्क इन प्रोग्रेस आपके दो तरीके होते हैं, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। देखिए वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, दैट मीन्स जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल दिया, आप कोई डैम बना रहे हो, अब आर्किटेक्ट आपको यहाँ पर आपके आपके साइट पर विजिट करेगा एंड वहाँ पर चेक करेगा कि आपने जितना काम किया उस पर वो कितना सर्टिफाइड कर रहा है, दैट मीन्स कितना अग्री कर रहा है, उसका काम आपको लिख के देगा दैट यू हैव डन दिस वर्क एंड वी आर सेटिस्फाइड विद योर वर्क एट दिस परसेंटेज, तो आपको एक वर्क सर्टिफाइड करके दे देगा, ठीक है। अनसर्टिफाइड कहता है कि जितना आपने मान लीजिए कोई काम किया हुआ है उसने अब तक आर्किटेक्ट ने अब तक अब काम उसको अनसर्टिफाई किया हुआ है, ठीक है, और वो आपका नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग है, उसके मान लीजिए 3 फ्लोर्स हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप कोई ना बिल्डर हो, अब ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जैसे मान लीजिए कोई एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग है ये, ठीक है, अब बहुत काफ़ी सारे मान लीजिए मॉल बना रहे हो आप, ठीक है। अब एक फ्लोर जैसे मान लीजिए ऐसे क्राइटेरिया डिपेंड क्या होगा, जैसे 30% 30% एंड 40%, ऐसे काम डिवाइड क्या हुआ है, मीन्स अगर जैसे आप जो है फर्स्ट फ्लोर जैसे कंप्लीट कर लोगे दैट मीन्स आपको जो है इसके पैसे मिल लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपने 30% काम कर लिया, अब आर्किटेक्ट आपकी साइट पर विजिट करेगा तो वो आपको वर्क सर्टिफाइड करेगा कि हाँ आपने इतना काम कर लिया, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए आप कोई मॉल की बिल्डिंग बना रहे हो, तो आपको जो मॉल के जो मालिक है उनका बोला कि आपको जो पैसे मिलेंगे वो आपके कितना परसेंट आप वर्क कंप्लीट कर रहे हो उसके हिसाब से आपको जो कैश मिलेगा। तो मान लीजिए आपको जो है बिल्डिंग का जो ऑनर है वो आपको बोलता है कि आप जैसे फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट कर लोगे दैट मीन्स आपने जो 30% काम कर लिया तो आपके उसके अकॉर्डिंग आपको उसके अकॉर्डिंग काम मिलेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स 30% होगा तो जितना भी काम सर्टिफाइड होगा वो आप जो है यहाँ पर लिख दोगे, दैट इज वर्क सर्टिफिकेट की जितनी वैल्यू होगी आप जो है यहाँ पर लिख दोगे,
अब देखिए, मान लीजिए आपने जो है फर्स्ट फ्लोर अच्छे से कंप्लीट कर लिया, तो मान लीजिए आपने जो है सेकंड फ्लोर का मान लीजिए कुछ काम और कर लिया, जैसे मान लीजिए आपने लेंटर डाल दिया, ठीक है, कुछ फ्लोरिंग का काम कर दिया आपने, कुछ एक्स्ट्रा काम कर दिया, बट दैट वर्क इज़ नॉट सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट। बट आपने तो काम कर दिया, और जैसे मैंने बोला अभी काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एंड यू ऑलवेज रिप्रेजेंट वर्क इन प्रोग्रेस एज सेल्स, तो जितना काम अनसर्टिफाइड रह गया वो आप यहाँ पर ही दोगे। बस टोटल करके आपको फिर यहाँ लिखना है, ठीक है। तो दैट मीन्स मैंने क्या आपको बोला कि जैसे आपने 30% काम कर लिया, आपको उसके अगर काम मिलेंगे। अच्छा एक बताओ, जैसे देखिए नॉर्मली होता यही है, जैसे मान लीजिए अगर आप जैसे अगर आपने जैसे कभी कोई कंस्ट्रक्शन काम करा, आपके घर में कोई रिनोवेशन काम होता है, तो आप जो है लेबर को सारे पैसे एक साथ नहीं देते हैं। जैसे बोलते हुए जैसे मान लीजिए 30% काम कर लिया, ठीक है, तो आप क्या करते हो उसको 30% मान लीजिए 3 लाख रुपीज़ का हुआ, ठीक है, तो आप उसको सारे पैसे नहीं तो कुछ पैसे रोक लेते हो। आप बताओ कि आपको जो है 80% अमाउंट मिलेगा, कि दैट इज़ कितना, 2,40,000, ठीक है। ऑल दो आपने सर्टिफाई कर दिया कि 3 लाख का काम हुआ है, बट आप पेमेंट कितनी करो, 240। ऐसा क्यों? मान लीजिए जो काम हुआ है उसमें कुछ मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम अराइज हो गई, कुछ डैमेज हो गया, कुछ कुछ फॉल्ट आ गया, ठीक है, तो उनके रिपेयर के लिए कौन आएगा? तो उनके रिपेयर के लिए कुछ टाइम को रोक के पैसे रखते हो कि हम आपको सारे पैसे नहीं देंगे, हमको 80% अमाउंट देंगे जितना आपने काम कंप्लीट किया है, ठीक है। तो वो है आपका कैश रिसीव्ड, ये तो आपका कैश रिसीव्ड एंड दिस इज योर वर्क सर्टिफाइड। बट जो भी आपके वर्क सर्टिफिकेट जो भी वैल्यू होगी ना, वो आपको यहाँ लिखनी है कि 3 लाख आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। एक्चुअल में तो आपने 3 लाख का काम किया ना, कैश रिसीव कितना हुआ उससे आपको क्या लेने देना, ठीक है। आपको वर्क सर्टिफिकेट कितना हुआ, 3 लाख का, वो बाकी मिल लेंगे आपको पेमेंट। फिर उसके बाद अनसर्टिफाइड लगे तो टोटल लिख दो वर्किंग प्रोग्रेस का। अब लिखा है जैसे मटेरियल एट साइट का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कुछ मटेरियल आपने 10,000 लेके आए, ठीक है, बाकी कुछ डैमेज हो गया, या डैमेज नहीं हुआ, मान लीजिए कुछ मटेरियल लेके आए आपने एक फर्स्ट फ्लोर के लिए, आपने सारा फर्स्ट फ्लोर के लिए आप लेके आए, सारा यूज़ नहीं हुआ, मान लीजिए आप 10,000 क्वान्टिटी लेके आए थे, बट उसमें से 9,900 ही यूज़ हुआ, 100 तो अभी भी बाकी, 100 क्वान्टिटी अभी बाकी है, तो जो भी मटेरियल वो क्या करोगे आप नेक्स्ट, आप उसको क्या करोगे सेकेंड फ्लोर के लिए यूज़ कर लोगे, ठीक है, तो वो जो है मटेरियल सेट वो यहाँ पर आ जाएगा आपका, और फिर उसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे टू द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट और द नेक्स्ट ईयर। अब देखिए डेबिट में मैंने क्या लिखा हुआ है, टू P&L अकाउंट एंड टू वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे देखिए मैंने आपको बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने ओवरऑल वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट सपोज आ रहा है सपोज 5 लाख, ठीक है, एंड आपने जो टोटल कॉस्ट अब तक इनकर्ड की है उसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है सपोज 3 लाख, यानी कि देखिए ओवरऑल आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 2 लाख का। लेकिन क्या आप जो आपका प्रॉफिट हुआ 2 लाख का, वो सारा पैसा आप अपने पास रख लोगे? जैसे देखिए आप कंपनी अगर आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो आपको ढेर डिविडेंड मिलता है रेगुलर वे, जितना प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया उनको देना पड़ता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आपका पैसा मिलता है, जितना प्रॉफिट आपने अर्न किया अब तक, उसको आप कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर दे दो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए फ्यूचर जो है अनसर्टेन है, आपको पता नहीं है कि हो सकता है कि भी अभी आप सेकंड फ्लोर जब बनाओगे तो मटेरियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो, भाई लेबर की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो, या कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड हो गए तो वो आपके प्रॉफिट से कम हो जाएगा। तो आप सारा पैसा जो है सारा बुक अपने बुक नहीं करोगे, एक साथ सारा पैसा अपने अपने बैंक में नहीं डालोगे, आप एज रिजर्व अपने पास रख लोगे। जो रिजर्व है वो आप अपने पास रख लोगे। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 ईयर्स के लिए, ठीक है, अब आपने यहाँ पर अपना प्रॉफिट जो है मान लीजिए ये आया आपके पास कितने का, 2 लाख का। अब ये आपका प्रोजेक्ट देखिए अभी काफ़ी लंबा है, काफ़ी बचा हुआ है, और फ्यूचर जैसे मैंने बताया अनसर्टेन है, हो सकता है यहाँ पर आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या फिर अब तक जो आपने काम किया उसमें कुछ फॉल्ट आ जाए, कुछ डैमेज हो जाए, और अगर अगर आप अपना सारा प्रॉफिट बुक करके बैठ दोगे तो फिर पैसे कौन देगा? तो आप कहते हो फ्यूचर के लिए आप करते हो एक रिजर्व बना के चलते हो, ठीक है। यही भाई अकाउंट्स में जो कहते हैं जो आप ये कहते हैं कंजर्वेटिव अप्रोच होती है, वही तो होती है कि भी प्रॉफिट जब तक हुआ नहीं तब तक आप सारा पैसा बुक मत करो, ठीक है। तो 2 लाख आपने रख लिया, तो इसके आप जो है 2 पार्ट डिवाइड कर देते हो, दैट मीन्स कुछ पार्ट ही जो आप P&L में ट्रांसफर करते हो, बाकी पैसा आप जो रिजर्व में ट्रांसफर करते हो,
अब वो डिपेंड करता है कि आपने कितना वर्क कंप्लीट किया है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मैं तो एक और एग्जांपल लूँ, जैसे देखिए आप सबने क्या कहते हैं क्रिकेट का मैच देखा हुआ है। जैसे देखिए अगर मान लीजिए क्रिकेट का मैच चल रहा है, फर्स्ट इनिंग का मान लीजिए 350 स्कोर हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए इंडिया की सेकेंड बैटिंग आई है, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट 5 ओवर में इंडिया ने 50 रन स्कोर कर लिया, अभी भी इंडिया को जो है 300 रन और बनाने हैं, तो क्या 5 ओवर में जैसे ही 50 रन इंडिया ने बना लिए तो आप क्या समझोगे कि इंडिया जीत ही गई? अभी तो 5 ही ओवर हैं, हो सकता है नेक्स्ट ओवर में ही 3 विकेट गिर जाए, है ना। तो दैट मीन्स अभी ये फ्यूचर जो है, ये जो बाकी जो ओवर हैं वो अभी अनसर्टेन है, पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं। तो ऐसे हम क्या करते हैं, एक रिजर्व बना चलते हैं। अब आपको क्या करना है, कुछ पार्ट पीएनएल में ट्रांसफर करना है और कुछ पार्ट आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है आपके वर्क सर्टिफाइड पे, ठीक है। यानी कि आपने अब तक कितना काम कंप्लीट कर लिया। तो इसके लिए देखिए ये चार्ट देखिए, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ पीएनएल, यानी कितना अमाउंट ऑफ पीएनएल में ट्रांसफर करोगे। फर्स्ट पार्ट क्या है, अगर आपने 0 से लेकर 50% से कम कम है, या 49.9% तक आपने काम कर लिया, तो आपको कितना अमाउंट आपको पीएनएल में ट्रांसफर करना है, 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट। अच्छा नोशनल प्रॉफिट क्या होता है, नोशनल प्रॉफिट मीन्स दैट प्रॉफिट विच इज नॉट द एक्चुअल प्रॉफिट, बिकॉज हम क्या यहाँ पर एस्टिमेटेड प्रॉफिट कर रहे हैं। एंड नोशनल प्रॉफिट मीन्स मैं बेसिकली कहता है कि आपने अब तक जो है एक इमेजिनरी प्रॉफिट है आपका ये, ठीक है। तो 1/3 ऑफ ऑफ टू 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई है कितना पार्ट आप पीएनएल में ट्रांसफर हो गए, ये डिपेंड करता है कि आपको अब तक कितना कैश मिला, कैश रिसीव ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। सो क्या करेंगे, अगर आपने जो काम है 0% से लेकर लेस देन 50% तक काम कम्प्लीट कर लिया, ठीक है, तो कितना पार्ट आप प्रॉफिट में ट्रांसफर करोगे, 1/3 ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव। मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। ऐसे मान लीजिए अगर कॉन्ट्रैक्ट का जो कंप्लीशन पार्ट है वो कितना हो गया, 50% से लेकर 90% अगर हो गया, तो फिर कितना पार्ट अमाउंट ऑफ आपको पीएनएल में ट्रांसफर करना है, 2/3 ऑफ नॉशनल प्रॉफिट अगेन मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। अगर आपने वो 90% ज़्यादा कर लिया, देखो अब तो 90% काम कंप्लीट हो चुका है, तो फिर आप एक एस्टिमेट प्रॉफिट तो निकाल सकते हो। तो कैसे निकालना है, एस्टिमेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। देखो अब डिवाइड क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, देखो अब तो कंप्लीट हो रहा है काम, तो अब तो जहाँ काम कंप्लीट हो जाएगा उसके हिसाब से हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। तो आपको अच्छे से देखना है, लेस देन 50% तो 1/3, मोर देन 50% टू 90% 2/3, और अगर मोर देन 90% होगा तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो देखिए यहाँ पर अब तक कितना काम हुआ था, देखिए 30% काम हुआ था, यहाँ देखिए अब मैंने जो यहाँ पर कितना काम हुआ था, 30% काम हुआ था। तो यहाँ पर मैं कितना पार्ट लूँगा, देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है प्रॉफिट का 2 लाख का, तो कैसे होगा यहाँ पर, अब आपका पी एंड एल में कितना ट्रांसफर करोगे, 1/3 ऑफ 2 लाख, ठीक है। कैश रिसीव कितना हुआ, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो यहाँ पर मैं 80% लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बस जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ पर मैं पी एंड एल में ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। जैसे देखिए क्या आएगा, ₹53,333 एंड द बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व, दैट इज WIP रिजर्व। तो बस ये टोटल आया बस ये 5 लाख का। मेजरली आपको फोकस ये करना है कि कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ, ठीक है, और कितना काम कंप्लीट हुआ। जैसे मान लीजिए ऑल ओवर जो प्रोजेक्ट था, मैं एग्जांपल लूँ ना, कितने का, 10 लाख का था, ठीक है।
3 लाख आपने कंप्लीट कर लिया क्योंकि वर्क सर्टिफिकेट हो चुका है, दैट मीन्स आपने कितना काम कर लिया, 30%, 30% आपने काम कर लिया। तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि आप कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है आप पे इंडियन में ट्रांसफर करोगे। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए अब जितना भी अभी काम कम्प्लीट नहीं हुआ तो अब क्या करना है आपको, जितना भी आपने अमाउंट WIBM लिखा और जितना अमाउंट आपने यहाँ पर क्रेडिट साइड लिखा मटेरियल साइड, वो आप सब यहाँ पर ट्रांसफर करोगे। देखिए WIP एंड मटेरियल साइड, पहले क्या लिखना है आपको, देखिए वर्क सर्टिफाइड जितना अमाउंट आया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितना था वर्क सर्टिफाइड अमाउंट, कितना था 3 लाख, ठीक है। अनसर्टिफाइड, अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मान लीजिए अनसर्टिफाइड था, मान लीजिए ये था आपका 50,000, ठीक है, और मटेरियल साइड था सपोज, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ अमाउंट, सपोज ये था 3 लाख, ये था 50,000, ये टोटल VIP हो गया आपका, WIP सॉरी 350, एंड मटेरियल साइड है वो कितना है 1,50,000। तो आपने ये सब अमाउंट यहाँ पर लिख दिए, बट याद रखना WIP में आप 350 तो करोगे करोगे, इसमें से जो आपने ऑलरेडी WIP रिजर्व में ट्रांसफर कर लिया वो तो लेस करोगे, माइनस करोगे आप WIP रिजर्व, हाउ मच, 1,06,667। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए आपकी ओवरऑल जो है कॉस्ट कितनी आई है, ओवरऑल कॉस्ट देखिए कितनी है, 3 लाख रुपए की, भाई 3 लाख ही तो है, ठीक है, कॉस्ट तो खर्चा आपका 3 लाख का हुआ है, तो आप सारा अमाउंट आप तो ट्रांसफर थोड़ा कैरी फॉरवर्ड था ना, तो ना करोगे। हाँ जी, देखिए जो WIP रिजर्व है देखो लेस किया, दैट इज अमाउंटिंग रुपीज 1,06,667, ये हम लेस करेंगे, उसके बाद ओवरऑल अमाउंट जब यहाँ पर लिखोगे जो भी अमाउंट आएगा, ये हम माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अब हम देखिए 5 लाख की ओवरऑल, देखिए मैंने कहा था सेल्स हुई है, खर्च कितना कर लिया 3 लाख का, यानी कि 2 लाख का अमाउंट जो है बैलेंस फिगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन 2 लाख में से ये प्रॉफिट तो आपने अपने पास रख लिया, ये प्रॉफिट तो आपने अपने पास रख लिया, ठीक है, तो आप सिर्फ यही तो अमाउंट आप लेस करोगे, ये अमाउंट हमने लेस कर दिया तो बाकी रिमेनिंग अमाउंट वाई हो जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या करोगे, जो आप सेकेंड फ्लोर बना रहे हो उसके लिए न्यू मटेरियल प्लांट लगेगा, लेबर लगेगी, एक्सपेंस लगेंगे, सेम ऐसे ही हम वर्किंग ये बनाएंगे वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड एज वेल एज वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल साइड जो भी है वो यहाँ लिख देंगे, प्लांट साइड जो वो यहाँ लिख देंगे, सेम वही प्रोसीजर आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फॉलोइंग इज अ समराइज्ड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर 100, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 6 लाख का, वेजेस है 1,64,000, जनरल एक्सपेंसेस हैं 8,000, मटेरियल है 1,20,000, कैश रिसीव्ड दैट इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड अमाउंटिंग रुपीज 2,40,000। तो क्योंकि कैश रिसीव्ड 240 का 80% है तो 100% कितना होगा, दैट इज 3 लाख, मटेरियल एट साइट 10,000, प्लांट है गिवन आपको 20,000। इंक्लूडेड इन दी अबव इंफॉर्मेशन आर वेजेस 3,500 एंड 4,000 एंड अदर एक्सपेंसेस 2,500 विच वर इंकर्ड सिंस सर्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन कितना गिवन आपको, रेट गिवन आपको 10%। देखिए आपको जो ये गिवन है दैट इज इंक्लूडिंग द अबव इंफॉर्मेशन आर वेजेस 3,500, जो 4,000 है ये आपको बेसिकली मटेरियल का बोला हुआ है, ये मटेरियल है, एंड ये अदर एक्सपेंसेस 2,500 विच पर इंकर्ड सिंस सर्टिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए सिंस सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गया उसके बाद भी काम हो चुका है, ये पार्ट किया आपका वर्क अनसर्टिफाइड, डेप्रेशन पार्ट कितना करें 10%। चलिए क्वेश्चन करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 1,
कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। डेबिट साइड में लेंगे सारा हम एक्सपेंसेस, क्या क्या खर्च हुए देखिए। वेजेस अमाउंट इन रुपीज 1,64,000, जनरल एक्सपेंसेस 8,000, मटेरियल 1,20,000, देखिए प्लांट लगाया अमाउंटिंग रुपीज 20,000, और कोई खर्चा नहीं हुआ। कम टू द क्रेडिट साइड, यहाँ पर देखिए पहला आप हेडिंग लिखोगे वर्क इन प्रोग्रेस, एंड वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइड इनटू टू पार्ट, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। WUC स्टैंड्स फॉर वर्क अनसर्टिफाइड। देखिए वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ, देखिए कैश रिसीव कितना हुआ, दैट इज 2,40,000, एंड ये अमाउंट आपका 80% है, तो दैट मींस आपका 100% अमाउंट कितना कैसे निकालोगे, 240 डिवाइड बाय 0.80, दैट इज इक्वल टू 3 लाख। टोटल वर्क सर्टिफाइड तो ये आ जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास आ गया 3 लाख वर्क सर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड देखिए क्या कहा था, ये सब तो लिखा हुआ था, वेजेस इनका टोटल लगा आपके पास आ गया 10,000। देखिए क्या लिखा हुआ है, विच वर इंकर्ड सिंस सर्टिफिकेशन, तो क्या रहेगा ये वर्क अनसर्टिफाइड अमाउंटिंग रुपीज 3,10,000। अब देखिए मटेरियल साइड गिवन आपको 10,000, प्लांट भी आएगा, देखिए प्लांट पे देखिए डेप्रिसिएशन था, पहले लिखते हैं मटेरियल एट साइट अमाउंटिंग रुपीज 10,000, और फिर प्लांट एट साइट क्योंकि प्लांट में डेप्रिसिएशन लग रहा है, देखिए प्लांट कितना लगाया था 20,000, लेस डेप्रिसिएशन 10,000, तो रिमेनिंग कितना रह गया 18,000, विच वुड बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो बस अब हम सबका टोटल करेंगे, टोटल लगा आपके पास ये 3,38,000, अब देखिए टोटल आपका जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ, लेस करेंगे देखिए 164,8,000, 120 एंड 20,000, 26,000 जो आपका क्या है नोशनल प्रॉफिट है, आपका जो नोशनल प्रॉफिट है वो कितना है 26,000। अब कितना अमाउंट आपको P&L में ट्रांसफर करना है डिपेंड करता है कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ। देखिए कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना था, यहाँ देखिए कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना था 6 लाख, सर्टिफाइड कितना हुआ 3 लाख, दैट मीन्स 50% वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो 50% तो क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पर 50% तो क्या करते हैं, यहाँ आएंगे हम, ये वाला क्लोज करेंगे 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, तो देखिए यहाँ पर भी करेंगे हम कितना अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ P&L अकाउंट, कैसे करेंगे देखिए 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट कितना है 26,000 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव कितना हुआ 2,40,000, वर्क सर्टिफाई कितना हुआ 3 लाख, तो कितना लिखेंगे 80% लिख सकते हैं हम आराम से, तो
बस इसका 2/3 एंड देन उसका 80% विच कम्स टू अमाउंटिंग रुपीज 13,867। ये कौन सा अमाउंट है? दैट वुड बी ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे अब हम पी एंड एल अकाउंट, पर लिखेंगे 13,867 एंड रेस्ट विल गो टू डब्ल्यू आई पी रिजर्व अकाउंट, दैट इज 12,133। सो बस ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए स्टूडेंट्स नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। X Limited took a contract for construction of a building for Rs. 12 lakh on 1st Jan 2018. The following information is available from the records maintained by X Limited. You are informed that it is the practice of the company to take credit for 60% of the profit earned on the contracts in progress after taking into account the value of work certified for payment by the architects. देखिए ये लैंग्वेज यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं कि कंपनी की जो प्रैक्टिस है ना, कंपनी को काफ़ी जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर कि कंपनी जो है 60% ऑफ द प्रॉफिट है ना, जितना उनको मिला वो 20 वो ट्रांसफर कर देती है पी एंड एल अकाउंट में। वैसे देखिए हमने ऊपर जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो ट्रांसफर होता है डिपेंड करता है कि कितना वर्क कम्प्लीट हुआ। बट यहाँ पर जो है ऑलरेडी ये कंपनी जो काफ़ी वेल रेप्यूटेड है प्लस काफ़ी जो एक्सपीरियंसड है, तो उनको पता है कि वो जो कितना खर्चा होने वाला है, तो उनको जैसे जैसे कैश प्राइस उनको मिलता रहता है उसके बेसिस पे वो जो पी एंड एल में ट्रांसफर करते रहते हैं। देखिए यहाँ पर अभी मैं दोबारा फिर समझाऊंगा इस लैंग्वेज को, पहले आगे बढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड द कॉन्ट्रैक्टरी अकाउंट एज ऑन 31st December 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना है? 12 लाख। डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ, डायरेक्ट लेबर, प्लांट इश्यूड एट कॉस्ट, establishment charges, dead expenses, work certified by architect, cost of work not certified, value of plant on this date 2 lakh, material plant इतना है, cash received कितना contractor से 9,45,000। देखिए अब कैसे करेंगे इसको, वही सिंपल हम nominal account बनाएंगे, that is contract account। तो देखिए डेबिट में हम सारे एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, क्या क्या है देखिए, डायरेक्ट मटेरियल अमाउंटिंग रुपीज 3,25,000, डायरेक्ट लेबर है 4 लाख, प्लांट लगाया अमाउंटिंग रुपीज 2,50,000, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस अमाउंटिंग रुपीज 75,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंटिंग रुपीज 1 लाख। फिर हम राइट साइड में आएंगे, पहले हेडिंग लिखते हैं हम वर्क इन प्रोग्रेस एंड उसके अंदर हम दो पार्ट में लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम वर्क सर्टिफाइड एंड देन वर्क अनसर्टिफाइड। देखिए वर्क सर्टिफाइड कितना है, वर्क सर्टिफाइड आर्किटेक्ट अमाउंटिंग रुपीज 10,50,000 एंड वर्क अनसर्टिफाइड अमाउंटिंग रुपीज 50,000। सॉरी इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे। टोटल हो गया ये 11 लाख। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ प्लांट यानी कि क्लोजिंग बैलेंस गिवन है आपको प्लांट का आफ्टर डेप्रिसिएशन। देखिए प्लांट पहले कितना था 2,50,000,
अब कितना रह गया, दैट मीन्स प्लांट एट साइट। देखिए प्लांट क्या होता है वैसे, जैसे मान लीजिए कोई अगर बिल्डिंग बन रही है तो उसके लिए हम काफ़ी सारे जो है पहले हम कोई मशीनरी पार्ट परचेस कर लेते हैं, ठीक है, और वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ होता रहता है, तो उसका सिर्फ डेप्रिसिएशन वही खर्चा हमारा वो जो है कॉन्ट्रैक्ट में एड ऑन रहता है। सो प्लांट एट साइट उसकी वैल्यू कितने की बने आपको 2 लाख की। देन आपको मटेरियल एट साइट भी गिवन है अमाउंटिंग ₹25,000। ठीक है, अब टोटल करते हैं हम इनका, ये टोटल आपको आपका रहेगा 13,25,000। सबको माइनस करेंगे तो आपका जो नॉमिनल जो प्रॉफिट आएगा दैट इज 1,75,000। कितना आया, 1,75,000। अब एक बार लैंग्वेज हम फिर से पढ़ते हैं। देखिए बोले कंपनी, यू आर इन्फॉर्म दैट इट इज ए प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी टू टेक 60% ऑफ द प्रॉफिट and on the contract in progress after taking into the account of the value of work certified for the payment of the architect. तो 60% हम जो प्रॉफिट जहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, तो कितना अमाउंट है 175, कितना अमाउंट आपके पास 175। हाँ जी देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कितना था 175। अब कंपनी के पैसे से कुछ 60% अमाउंट वो अपने पास पेनल रख लेगी, डिपेंड करते हैं उनको कितना कैश मिला। तो यहाँ पर कैश करेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ पीएनएल कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर कितना नॉशनल प्रॉफिट हुआ 175, कितना अमाउंट अपने पास रहेगा 60%। ऊपर हमें रेशियो गिवन चाहिए या तो 1/3 या 2/3, पर यहाँ पर आपको 60% ऑलरेडी गिवन है। अब कैश कितना मिला 9,45,000। देखिए यहाँ पे गिवन आपको कैश कितना मिला 9,45, एंड वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ था 10,50। बस अब ये अमाउंट जो है दैट इज अमाउंटिंग रुपीज 94,500 रुपीज ट्रांसफर टू पी एन एल अकाउंट। तो बस अब ये अमाउंट जो हम ऊपर ले देंगे टू पी एन एल अकाउंट 94,500 टू डब्ल्यू आई पी रिजर्व वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व अमाउंटिंग रुपीज 80,500। दैट्स इट, बस ये डिफरेंस है। अब तक आपको रेशो हमें हम एज्यूम करते थे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड, बट यहाँ पर कितना है आपको ऑलरेडी यहाँ पर जो है बता दिया कि 60% कंपनी की प्रैक्टिस है कि 60% ऑफ द प्रॉफिट डिपेंड अपॉन द कैश रिसीव, उसके हिसाब से कंपनी जो है पी एन एल में ट्रांसफर करेगी। चलिए नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। शिवालिक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड टुक अ कॉन्ट्रैक्ट इन 2017 फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज रुपीज 5 लाख एंड इट्स एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन वुड बी 4,50,000। अच्छा, एट द एंड द कंपनी हैज रिसीव 1,80,000 रिप्रेजेंटिंग 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड कितना होगा अमाउंटिंग रुपीज 2 लाख, कैश कितना मिला 180, कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड कितना होगा 5,000, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग 2017 वर एज फॉलोज मटेरियल लेबर प्लांट। मटेरियल जो कॉस्ट था 2,500 का वो डैमेज हो चुका एंड हैड टू बी डिस्पोज ऑफ रुपीज 4,500। प्लांट इज कंसिडर्ड टू हैव डेप्रिशिएटेड बाई 25%। देखिए अब आपको मेनली जो फोकस करना है इस स्टेटमेंट पे है। क्या लिखा है, मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज 2,500 वर डैमेज्ड एंड हैड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ 4,500। देखिए मटेरियल कितने का परचेज किया था 25,000 का, उसमें से 2,500 का तो डैमेज हो चुका, तो दैट मीन्स जो तो यूज मतलब यूज़ किया होगा तो कुछ डैमेज हो गया होगा, ठीक है। अब उसको जो है डिस्पोज कर दिया 500 में, तो देखिए एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ 2,000 का,
यहाँ देखिए जी कि जो कॉन्टैक्ट होते हैं ना, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट होते हैं, उसमें जो भी एबनॉर्मल हो सकते हैं उसका हम जो लोड है ना वो हम कॉन्टैक्ट अकाउंट में नहीं डालते, उसको हम अलग से P&L अकाउंट बनाते हैं और वहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ना इस अमाउंट का आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली जितना डैमेज हो हम सिर्फ उसी की वैल्यू जो कंसिडर करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब बड़े बड़े कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं ठीक है, तो उसमें अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है या एबनॉर्मल लॉस होता है, इसका इफेक्ट हम ओवर कॉन्ट्रैक्ट के P&L से हम मैच नहीं करते, मैंने डिपेंड ही नहीं करता। छोटे मोटे देखिए, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है ठीक है, तो उसके छोटे मोटे अमाउंट हम जो है किसी को लाइक सब बेच देते हैं, छोटा मोटा मटेरियल बेच देते हैं। अब उससे चाहे 10 रुपीज़ मिले, 500 मिले, 1000 मिले, तो उसका प्रॉफिट लॉस से क्या मतलब है ना, ओवर तो हमें कॉन्ट्रैक्ट से मतलब है। ठीक है, तो चलिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का, वही डेबिट में हम सारे एक्सपेंसेस देखेंगे। देखिए क्या क्या एक्सपेंसेस हुए, मटेरियल 25,000, लेबर लगी है अमाउंटिंग रुपीज़ 1,50,000, प्लांट भी लगा है अमाउंटिंग रुपीज़ 10,000, और तो कुछ खर्चा हुआ नहीं है। उसके बाद आपको पता है यहाँ पर हम कर लेते हैं, सबसे पहले WIP वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ था, देखिए क्या लिखा, कंपनी हैज रिसीव्ड 1,80,000 रिप्रेजेंटिंग 90%, तो 100% हमें कितना होगा, 2 लाख। वर्क अनसर्टिफाइड भी आपको गिवन है, कितना गिवन है, 5,000, सो 2,05,000। अब देखिए मटेरियल डैमेज हो चुका, मटेरियल डैमेज तो हम पूरा ही लिखेंगे, दैट इज 2,500। एबनॉर्मल लॉस हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि प्लांट इज टू बी कंसिडर्ड टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 25%। ठीक है, देखिए आपको दो तरीके हैं, या तो देखिए आप डेबिट साइड में पूरा प्लांट डेप्रिसिएशन ले दो, क्योंकि हमें तो मेजरली कॉस्ट से मतलब है। ठीक है, या तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्लांट एट साइट वो कितना है, 7,500 आफ्टर डेप्रिसिएशन, या तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिख सकते हो, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट अमाउंटिंग रुपीज 2,500। दोनों में से कोई एक लिखना, दोनों में मत लिखना। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ मैंने लिख दिया क्रेडिट साइड में, तो इसलिए यहाँ पर मैं इम्पैक्ट नहीं ले रहा, बस आप टोटल कर देंगे। टोटल आपके पास आ गई है 2,15,000, 2,15,000। अब हम क्या करेंगे, नॉशनल प्रॉफिट दैट इज 2,15,000 लेस 25,000 लेस 1,50,000 लेस 10,000, तो नॉशनल प्रॉफिट तो आपके पास आ गया, दैट इज अमाउंटिंग रुपीज 30,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कि कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम P&L में ट्रांसफर करेंगे। इसमें तो आपको कोई परसेंटेज गिवन नहीं है, तो कैसे करेंगे, देखिए नॉशनल प्रॉफिट कितना हुआ, 30,000। देखिए कॉन्ट्रैक्ट ओवरऑल था कितने का, कॉन्ट्रैक्ट था ओवरऑल 5 लाख का। ठीक है, काम कितना कम्प्लीट हुआ अब तक, 2 लाख का, तो दैट मीन्स कितना वर्क कम्प्लीट होगा, 40%, 40% हो गया, तो कितना लेंगे हम, 1/3। ठीक है, एंड कितना परसेंट आपको कैश मिल गया, 90%, कैसे भी कर लो आप चाहे, 180 डिवाइड बाय 2 लाख। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 9,000, लेट मी दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे P&L अकाउंट अमाउंटिंग रुपीज 9,000 एंड WIP रिजर्व अमाउंटिंग रुपीज 21,000, दैट्स इट। अच्छा, आई थिंक मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बनाना था, तो मैं आपको बनाना भूल गया, आई थिंक पूछा तो था। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कुछ नहीं होगा, जैसे देखिए यहाँ पर इजीली बन जाएगा, देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट
अगर आप इसी क्वेश्चन बनाएंगे तो ये ठीक है। देखिए अब आप कॉन्ट्रैक्टर हो, वो तो कैश मिलेगा कॉन्ट्रैक्टर से, तो एंट्री क्या होगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे बाय कैश कितना मिला आपको 180, ठीक है, दैट्स इट। बाकी आप क्लोज करोगे, आपने दिया तो किसी को भी नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। सो क्लास इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड फर्स्ट 3 क्वेश्चन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड द बेसिक्स एस्पेक्ट्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।